हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज हम लोग जो है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नीट का जो है कि थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे बेटा जी। और इसमें आप लोग देखोगे कि जो ऑप्टिक्स है उससे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो वहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम को हम डील कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से पढ़ो, मैं पहला क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहता है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस है जिस पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दिया, यू कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया, 3/2, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बोलो जी, बन रही है इन्फिनिटी पर। ठीक है ना, तो अनदर कॉन के ऑप्शन क्या दे रहा है कि अनदर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द प्रीवियस लेंस। जो आपका पहला जो है कॉन्वेक्स लेंस है उसके साथ हमने क्या प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कि एक आपका जो है कि एक कॉनकेव हमने उसके साथ कर दिया कनेक्ट। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये क्या आपका है, ये आपका, ये जो आपका, ये आपका कॉनकेव है। तो अगर इसको मैंने प्लेस किया, कितना इसका जो फोकस कितना है आपका, एफ इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है ना तो आएगा माइनस। तो अगर ये -60 सेंटीमीटर इसका लिया आपने, इसका आपने कितना लिया, 20 लिया, जो भी गिवेन है। अगर इनका जो पूरा का पूरा, इसका इसका जो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट अगर क्या आ जाए, 30 आ जाए, जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस इन पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 30 आ जाए तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, तुम्हारा 30 आ जाएगा। और उसी फोकल लेंथ, उसी फोकस पे क्या प्लेस है आपका, ऑब्जेक्ट प्लेस है। और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तभी जाकर के इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। तो अब पहले एज्यूम कर लेंगे, मान लो कितना इसका 60 सेंटीमीटर है जो आपने कॉनकेव लेंस लगाया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, तो फार्मूला कैसे बनाओगे आप लोग, आपका होता है एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 है ना, अब +1/f2, क्योंकि f2 किस में, आपका नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे कि एफ इक्विवेलेंट क्या आएगा एलसीएम लेकर के, तो आप देखोगे कि f1 क्या आएगा तुम्हारा, f2/f1 -f2। ठीक है बेटा जी, ये बात आप समझो इस बात को। तो यहाँ सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके, तो यहाँ आएगा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा -60/, ये क्या होगा, 20 -60। ठीक है ना, तो ये आपका आपका जाएगा तुम्हारा -1200 -40, ये कटेगा आपका, सिंपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हो कि जो इसका एफ इक्विवेलेंट कितना आया, 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। इसका मतलब पक्का है कि इमेज कहाँ बनेगी, जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यानी कहने मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका पहला ऑप्शन, क्योंकि अनदर कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ कितना है, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द सेपरेशन एल बिटवीन द ऑब्जेक्ट कितना दिया, 0.5 दिया है, एंड आई पीस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इज 7 सेंटीमीटर है, वेयर शुड बी द स्मॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस शो दैट द आई इज लीस्ट स्ट्रेंड टू सी द इमेज। मतलब रिलैक्स्ड आई की बात कर रहा है कि हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, तो आपसे यू ओ की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर अगर रिलैक्स फॉर रिलैक्स्ड आई फॉर लीस्ट स्ट्रेंड आई क्या होगा, लेंथ कितना होता है इसका, ये सिंपल होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी करें, जो इमेज डिस्टेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई। तो अब मुझे बताओ बेटा जी, ये कितना 7 दिया हुआ है, और ये जो है ऑब्जेक्ट इमेज कितना दिया है, व्यू दिया है, प्लस ये कितना दिया आपका, 5 दिया है। तो ऑब्जेक्ट इमेज कितना आ गया बेटा जी, बोलो जी, ये आ गया 2। ठीक है ना, ये इमेज आया ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो इमेज बनी हुई है। अब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो आपका फार्मूला क्या होगा, 1/UO +1/VO इज इक्वल टू 1/FO। आपको यू ओ चाहिए, इसको ट्रांसफ़र करोगे इधर हो जाएगा माइनस में ये, तो यू वो कितना आ जाएगा बेटा जी आपका, FO × VO / FO - VO। ठीक है बेटा जी,
अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 0.5 इंटू टू अपॉन 0.5 माइनस टू, सॉल्व करेंगे तो माइनस टू अपॉन थ्री सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब आपका अगर अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें हम, 2/3 सेंटीमीटर होगा। और ऑप्शन नंबर क्या आपका, सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर देखो एक अगला क्वेश्चन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो ऑफ द सर्फेस। ये हमारे पास एक वाटर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितना सर्फेस से कितने डिस्टेंस पे इसको रखा गया है, 4 मीटर पे रखा गया है। और कह रहा है कि द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क शुड बी द प्लेस ओवर द सोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टू कट ऑफ द ऑल लाइट कमिंग आउट ऑफ द वाटर। आपको पता है कि जब लाइट आप कहाँ रखा गया है, ये आपका रखा गया है डेंसर मीडियम में, लाइट कहाँ जा रही है, रेड मीडियम में, तो पक्का है जो स्ट्रेट लाइट निकलेगी वो बिल्कुल निकल जाएगी। और लाइट जब क्या किसी की किसी एंगल पे जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी चारों तरफ वो, और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल जब आएगा, डेंसर जा रही है रेड में ना, तो क्रिटिकल एंगल पर क्या करेगा, वो ग्रीज कर जाएगी लाइट सर्फेस पर। इसके बाद जो एंगल आपका मिलेगा, जो ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है, तो इस पर क्या होगा, TIR है ना, यहाँ TIR टेक प्लेस, इस केस में TIR होगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो ये आपका, ये जो रीजन आपका है, इस रीजन से क्या है, लाइट निकल रही है, इसके बाद लाइट नहीं निकल पा रही क्योंकि यहाँ पर लाइट क्या है, ग्रेज कर रही है, TIR हो जा रहा है। ये जो रीजन है, ये इधर से ही लाइट निकल रही है, उस पार जा रही है। अगर इसी रीजन के बराबर क्या रख देंगे हम लोग, एक डिस्क यहाँ रख देंगे तो पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो कह रहा है जो आप यहाँ डिस्क रखोगे लाइट को ब्लॉक करने के लिए, उस डिस्क का डायमीटर कितना होगा, ये डायमीटर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्क जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रही है, इसका रेडियस जो है का फार्मूला पहले से बना हुआ है, मैंने बताया भी होगा आपको कि आर इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। ये आ जाएगा तुम्हारा रेडियस आ जाएगा। आर एच कितना दिया है, 4 दिया है। अंडर रूट म्यू कितना दिया है बेटा जी, 5/3 दिया है। होल स्क्वायर है माइनस वन, करोगे एलसीएम लोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 3 मीटर आएगी सॉल्व करने के बाद। तो डायमीटर बोल कितना हो जाएगा, डायमीटर क्या होगा, आर 2 × r हो जाएगा, तो डायमीटर आपका हो जाएगा 6 मीटर। यानी कहने का मतलब होगा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना बड़ा, ये इस फार्मूले का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखो ये भी क्वेश्चन क्या आपका ऑप्टिक्स का है, देखो ध्यान से, देखो क्या है ये पूरा कहानी, एक आपके ग्राफ दिया है कि इसमें साइन आई और क्या ये साइन आर दिया है, और ये एक आपका एक्सिस साइन आई है, कितना साइन आर है, ये ग्राफ दिया है कितना एंगल बना आपका, 30 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चार ऑप्शन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या है, और चौथा। इसमें ए बी सी कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो उसके बारे में बात करनी है आपको, ठीक है बेटा जी। आप यहाँ देखो कि अगर आप जानते हो कि एक्स और वाई के बीच में क्या, अगर ये मान लो ये वाई है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, एक्स वाई के बीच में अगर ग्राफ बना होगा तो आप कहोगे सर कि इसमें स्लोप क्या होता है, इसमें जो स्लोप आपका बनता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा, और इसको बोलते क्या बोलते बोलेंगे, साइन आर अपॉन साइन आई, यानी ये वाली एक्सिस अपॉन ये वाली, ठीक है ना। और टैन थीटा क्या आपका है, टैन 30 डिग्री आपका है, तो टैन 30 डिग्री क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि वर्टिकल अपॉन होता है हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1/√3। और साइन अगर इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो जी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 3/1। क्यों बच्चा, और फिर आप ये देख सकते हो ये क्या होता है, म्यू 2/μ1 होता है, ठीक है बेटा जी। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगी तुम्हारी, v1/ क्या होगी बेटा जी, v2 होगी, ठीक है ना। तो आपका बोलो v2 कितना आ जाएगा, देखा जाए तो v2 कितना आएगा, तो बेटा बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से v1 क्या आएगा, v1 इज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा तुम्हारा v2। यानी फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगी वो सेकेंड मीडियम की, और 3 की वैल्यू क्या होती है, v1 इज इक्वल टू 1.73 v2। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगी लाइट की वो सेकेंड मीडियम की 1.73 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो आई थिंक देखो आपका ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन आपका देखो बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम इज 1.73 टाइम्स क्या है, मोर देन दैट ऑफ सेकेंड मीडियम। ये ऑप्शन आपका बी तो करेक्ट हुआ। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल पर। जो क्रिटिकल एंगल होता है, देखो ध्यान से, जो आपका साइन आई सी होगा है वो होता है सिंपल क्या है, 1/μ।
द रेसिप्रोकल होगा, तो आप कह सकते हो कि म्यू वन अपॉन क्या होगा तुम्हारा, ये म्यू टू होगा। क्यों बच, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू अगर बात करें हम लोग, तो अगर यहाँ पर देखो क्या है, म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना है, रूट थ्री अपॉन वन, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन आई सी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ से आपको कहोगे तो क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई थिंक कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी और सी करेक्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला था, आप इसे आराम से कर लोगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सारे कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है, ए और बी के अक्रॉस आपको निकालना है इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कोई भी कैपेसिटर ना तो आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, ना तो आपको सीरीज में दिख रहा है। लेकिन हाँ, मैंने आपसे बताया था जहाँ पर क्या है, 5 रेजिस्टेंस या 5 कैपेसिटेंस एक साथ आपको दिखाई पड़े, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि वहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज बने और वो भी बैलेंस बने। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ए और बी, आप क्या मानो, इसको मान लो ये आपका पी है, इसे मान लो ये आपका क्यू है, इसको क्यू मत मानो, क्यू इसकी, तो ये बी होगा ना आपका, ये आपका मान लो ये आपका क्यू है, और आपको पता है ये वायर से कनेक्टेड है, तो ये आपका सिंपल, ये अगर वायर से कनेक्टेड है तो सिंपल ये भी आपका बी होगा, और ये वायर से कनेक्टेड है ये भी आपका ए ही होगा, क्योंकि जो वायर से कनेक्टेड होंगे वो सिंपल ये कहलाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको बनाना है तो पहले यहाँ एक बना लो आप ए, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट आप बनाओ ये ए है, एक पॉइंट यहाँ बनाओ आपका ये पी होगा, एक पॉइंट यहाँ बनाओ आपका ये बी होगा, एक पॉइंट यहाँ बनाओ आपका क्या होगा, ये आपका होगा क्यू होगा। तो बताओ ए और पी के बीच का कैपेसिटेंस देखो, ये वाला क्या है, ए और पी के बीच का है, तो आपने ये कैपेसिटर यहाँ बना दिया। क्या पी और बी के बीच में है कोई कैपेसिटर, बिल्कुल, देखो ये वाला पी और बी के बीच में है, तो आपने यहाँ एक बना दिया, कैपेसिटर बना दिया ऐसे, ठीक है ना। क्या बी और क्यू के बीच में है, बी और क्यू, देखो ये बी है और ये क्यू, देखो ये वाला, ये बी और क्यू के बीच में है ना, ये इसको आपने यहाँ बना दिया ऐसे। अब बोलो क्या है, ए और क्यू के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या, यस, देखो ये वाला क्या है, ए और क्यू के बीच में है, तो आपने यहाँ एक बना दिया, कैपेसिटर बना दिया। ठीक है बेटा जी, रिमेनिंग कौन कौन से हैं आपके पास, एक बचा ये वाला, ये ए और बी के बीच में है, तो आपने कहा सर ये ए और बी के बीच में बना दिया हमने ऐसे, ध्यान देना इसको। और कौन बचा, ये वाला बचा, ये पी और क्यू के बीच में यहाँ बना हुआ, देखो ऐसे, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, और क्या, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, आप मुझे बताओ कि ये बैलेंस है कि नहीं। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तो आप कह सकते हो कि सर 2/2 इज इक्वल टू 2/2, इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कैपेसिटर आपका काम नहीं करेगा, तो ये किस में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, ये किस में आ जाएगा आपस में, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 अगर सीरीज में है, है ना, क्योंकि कैपेसिटर है तो 1/2 से होगा तुम्हारा, तो 2 × 2/2 + 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये कैपेसिटर आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो इसको भी आपने क्या कहा कि सर ये भी आपका 1 हो गया, लेकिन होगा पैरेलल में। अच्छा साथ में ये वाला क्या है, ये वाला आपका क्या है, साथ में कनेक्ट होगा ना बिल्कुल ऐसे, तो ये आपका 2 का है, है ना, ये आपका ए है, ये क्या आपका ये बी है, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये आपका 2 है, सीरीज में है तो 1 1 2 और 2 + 2, तो सी ए बी का इक्विवेलेंट आपका आ गया सिंपल, कितना आ गया 4 माइक्रो फैरेड। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन आप करेक्ट होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को आप समझ गए। देखो बेटा ये लॉजिक गेट है, यहाँ पर गेट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया, यहाँ पर बी दिया हुआ है, फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ए दिया, यहाँ पर बी दिया है। अब आपको देखना होगा कि हमको आउटपुट पहले क्या मिलेगा लास्ट में, इसके बाद ही हम ग्राफ को, यहाँ पर जो ये ग्राफ है उसको हम एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या बी है, यह कौन सा गेट आपका है, ये गेट आपका है, कौन सा गेट बेटा जी, आपका एंड गेट है और ये नॉट गेट है, तो कुल मिलाकर आपका बन जाएगा नैंड गेट, ये भी आपका नैंड गेट, ये भी आपका नैंड गेट, ये भी आपका नैंड गेट, है ना, और ये कौन सा, देखो ये नॉर गेट है, ये आर है और प्लस या वहाँ पर क्या है आपका नैंड है, आपका नॉट है, तो आर और नॉट क्या तुम्हारा होगा, नॉर गेट, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है, यानी नैंड और नॉर की बात ये कर रहा है। तो 1/1 का चलेंगे, जैसे मान लो यहाँ आपने ए दिया, यहाँ आपने बी दिया, तो ए ए लेगा, इसको बना देगा ये ए बार बना देगा, क्यों बच्चा जी, अच्छा ये क्या, इसको बना देगा, इसको बना देगा ये बी बार बना देगा, ठीक है ना। अब ए बार बी बार इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ए ए बना देगा, ए डॉट इनटू करेगा ना ये बी बार, और ये नॉट क्या करेगा, इसको यहाँ क्या कर देगा, ए डॉट
बी बार का पूरा बार बना देगा। ठीक है बेटा जी, जब ये बार इसके पास पहुंचेगा यहाँ पर और ये नॉट करेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो जान से, ए प्लस, क्योंकि ब्रेक होगा ना ये बार, ए प्लस बी हो जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा इस पर बार हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। जब ये बार ब्रेक होगा, इसको तोड़ेगा, इसको तो यहाँ प्लस बना देगा, और इसका देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है बी, तो ये क्या है आर गेट है, तो ये भी नॉट लगा है, तो पक्का यहाँ ए बार होगा, यहाँ भी क्या आएगा तुम्हारा ए बार ही आएगा, और ए बार इसके पास जाएगा तो ये बनाएगा ए प्लस बी बार बना देगा, और जब नॉट के साथ ये नॉट लगा है, जब इसके साथ निकलेगा तो क्या होगा तुम्हारा ए बार प्लस बी बार का पूरा बार। ठीक है ना, अब ये बार टूटेगा इसके साथ, इसके साथ टूटेगा, तो इसको इंटू बना देगा ये, तो आप क्या कहोगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इंटू बी, ये आपका हो जाएगा इधर ए इंटू बी आ गया, यहाँ पर ए प्लस बी का बार आ गया। ठीक है ना, अब देखते हैं रिजल्ट के बाद। अब बेटा यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो क्या है कि आपका, देखो ये क्या आपका इधर वन है, इधर ये भी वन है ना, ये ऊपर वाला आपका वन होगा, ये भी वन होगा, यहाँ भी वन होगा, ये आपका जीरो होगा। अब इस ग्राफ को, इस ये आपका इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट देखना है कि सी वन सी टू क्या होगा। मुझे बताओ इसमें क्या है, ये आपका वन है, ए क्या आपका वन है, और बी क्या आपका जीरो है, यानी वन और जीरो। तो जब इसमें क्या मिलेगा, इसको यहाँ वन रखोगे लास्ट वाले में, क्या रखोगे यहाँ पर, यहाँ पर वन रखोगे, यहाँ पर जीरो रखोगे, तो वन प्लस जीरो क्या होगा, वन प्लस जीरो आपका वन होगा, और वन का बार क्या आएगा तुम्हारा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये जब आप दोगे ना इनपुट, तो पक्का ये वाला और ये वाला इनपुट दोगे जीरो आएगा। किस में जीरो आया है पहले वाले डायग्राम में, एक इसमें जीरो आया है ना, देखो सी वन ये आया ना जीरो यहाँ पर आया है, एक यहाँ जीरो आया है, तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, ये जीरो बन गया, ठीक, ए और ये दोनों बन सकते हैं, इसका जीरो आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वन है, यहाँ भी आपका क्या है वन है, तो मुझे बताओ यहाँ पर वन, ये वन और प्लस वन, वन प्लस वन आपका वन आएगा, वन का बार क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो पक्का है कि देखो यहाँ फिर जीरो आ गया, लेकिन यहाँ जीरो इस वाले केस में जीरो नहीं आया, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या आपका बेटा जी, ये आपका, अगर आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया तो पक्का है कि इसके साथ ये वाला भी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट होगा, चेक कर सकते हो यहाँ से। तो पहला अगर ऑप्शन आपको मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आप लगा सकते हो, इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि जो इनपुट दे रहे हो उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट ये बनेगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है अ जनरेटॉयड हैज़ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड 10^-6 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो रहा है, डिप्लीशन रीजन कितना दिया, पी डिप्लीशन जगह पी इंजेक्शन डायोड है, इफ द विड्थ दिया कितना, डिप्लीशन जगह 2.5 दिया है, माइक्रोमीटर आपका है, तो व्हाट शुड बी द रिवर्स बायस पोटेंशियल फॉर द जनरल ब्रेक डाउन अकर, किस पोटेंशियल पर ब्रेक डाउन आपका अकर होगा। सीधे लगाओ फार्मूला, क्या होगा कि जो रिवर्स बायस आपका वी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी होगा, और ई की वैल्यू क्या है 10^6 है ना, बोलो बच्चा जी, इंटू क्या है वो 2 माइक्रो है ना, माइक्रोमीटर है, तो आपको 2.5 इंटू 10^-6 कर दोगे, मीटर में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.5 वोल्ट। छोटा सा आंसर था ये, यानी 2.5 वोल्ट आपका सेकंड आंसर क्या तुम्हारा सही होगा बेटा। ठीक है ना, सिंपल सी बात थी, ये छोटा सा फार्मूला लगाना था आपको और आपको आंसर मिल जाना था। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा क्या है, बस उसको रीड करना है अच्छे से और रिजल्ट आ जाएगा आपका। अ होल डिफ्यूज फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड, पी से कहाँ जा रहा है, एन साइड जा रहा है, इन अ पी एन जंक्शन डायोड, दिस मीन्स दैट, आप कहते हो सर क्या है, देखो ये आपका ये इधर आपका मान लो पी साइड, इधर क्या आपका है एन साइड, इधर से होल कहाँ डिफ्यूज हो रहा है, जा रहा है एन की तरफ जा रहा है, एन पी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या मतलब होगा, सारी रीड पढ़ोगे तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, क्यों, क्योंकि क्या लिखा, अ बॉन्ड इज ब्रोकन ऑन द एन साइड एंड द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बॉन्ड जंप टू द ब्रोकन बॉन्ड ऑन द पी साइड टू कंप्लीट इट। मुझे बताओ कि आपको पता है कि होल तो मूव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो पक्का है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से टूटा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड से टूट कर कहाँ आया होगा, होल के पास आया होगा। ठीक है ना, तो बॉन्ड जंप कौन करता है, बोलो जी इलेक्ट्रॉन करता है, होल नहीं जंप, क्योंकि होल तो क्या है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो होल ज्यों का त्यों होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करता है टूट करके। तो ये जो लिखा है ना, अ बॉन्ड ब्रोकन ऑन द एन साइड, एन साइड पे क्या इलेक्ट्रॉन है, एंड द इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होता बॉन्ड जंप फ्रॉम द बॉन्ड और जंप टू द ब्रोकन बॉन्ड ऑन द पी साइड टू कंप्लीट इट। इसमें क्या करेगा, ये पी साइड में जंप करेगा किसमें,
होल के अंदर में उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एफ एंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ई द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। सिंपल सी बात इसमें दिया, देखो ध्यान से कि अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, तो कहोगे सर ए ओमेगा स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा बेटा, कहोगे सर एम ए ओमेगा स्क्वायर होता है ना, एम मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल कितनी होती है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे ऐसे, है ना बेटा, एम से एम क्या तुम्हारा कट जाएगा और एक ए से एक ए कटेगा और एक ओमेगा से यहाँ पर एक ओमेगा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, एफ मैक्स अपॉन ई इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा तुम्हारा, यहाँ सिंपल बचा ओमेगा बचा और नीचे क्या आपका बचा, अच्छा ओमेगा इसको बेटा कट चुका है, यहाँ ऊपर आएगा टू आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो नीचे आपका ये कट चुका है या नीचे आपका सिंपल ए आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो बोलो यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, टू ई अपॉन एफ आ जाएगा, एफ मैक्स, टू ई अपॉन एफ मैक्स आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट होगा। तो यहाँ से क्या है ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा, टू करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, फार्मूला आपका देखो है 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू, इन टर्म ऑफ टाइम बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई ए, क्योंकि आप ओमेगा के टर्म में ही निकालोगे ना काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में तो निकालोगे नहीं, सिंपल साइन में या तो कॉस में निकालोगे। इस कॉस स्क्वायर को सिंपल कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलोगे, सारा चीज सेम रहेगा आपका, यहाँ ई ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर फार्मूले में सिंपल 1/2 हाँ ई आएगा, तो 1/2 एम है ना, अच्छा काइनेटिक है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा जी, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको के मान सकते हो क्योंकि प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो क्या होगा तुम्हारा, 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस 1 cos 2θ क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 cos 2θ एक मिनट क्या होगा, इंटू 1 cos 2θ, 2θ में क्या माना जाएगा, 2ωt प्लस 2φ। तो एंगल में क्या आ गया, अब t का क्या कोफिशियंट आपका है, 2ω है, तो यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2ω। तो अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी 2ω है तो फ्रिक्वेंसी सिंपल क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी जो आपकी f आएगी वो सिंपल क्या होगी तुम्हारी, डबल हो जाएगी, यानी अगर एफ डैश की बात करिए आपका हो जाएगा 2f, यानी फ्रीक्वेंसी पहले की क्या हो जाएगी तुम्हारी, डबल हो जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, तो आपका 2f। आप इस बात को याद रख लो कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पक्का है कि डबल होगी। ठीक है बेटा जी, अब बेटा अगला क्वेश्चन कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम सेंटर, ये आपके पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर होगा ये, है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर आपका मान लो है ये, और ये कंडक्टिंग स्फीयर अगर आपका है तो इस कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। तो हम मुझे बताइए कि अगर बात आप कर रहे हैं, देखो अगर मान लो ये आपका सेंटर है तो पक्का है E इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा जी, और यहाँ तक जी रहेगा 0, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जब बाहर निकलेगी राइट साइड होगी ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर दिया आपने है तो ये आपका E राइट साइड होगा, क्या होता है कि Q/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r². इधर अगर दिलोगे तो राइट साइड, इधर क्या लोगे तुम्हारा, ये लेफ्ट साइड होगी, और दोनों ही साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला ग्राफ आपका करेक्ट होगा क्योंकि r तक तो बिल्कुल 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद क्या है वो देखो इस तरीके से क्या हो वो गिर रही है। ठीक है बेटा जी, 1/r² के फॉर्म में यहाँ गिर रही है, इस साइड जाओगी ठीक है ना, तो उसके क्या है देखो कहाँ जाएगी वो, धीरे धीरे क्या होती तुम्हारे, धीरे धीरे क्या होगी, 0 होती जाएगी बेटा, आर के बाहर निकलोगे धीरे धीरे क्या हो तुम्हारी, जिसकी डायरेक्शन क्या है इसके अपोजिट है ना, इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये ग्राफ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, कितना पासिस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सर्फेस 10 cm सेंटर्ड ऑन द चार्ज, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर रिड्यूस टू हाफ देन द फ्लक्स इज वॉट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 12 देखना आप लोग, आपने कहा के पास एक स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है बेटा जी, जो फ्लक्स है वो 4 इंटू
10^3 निकल रहा है। अगर आपने चार्ज मान लो क्यू रखा है, अगर इस स्फीयर की रेडियस आपने रिड्यूस कर दिया तो क्या अंदर वाला चार्ज में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि चार्ज क्या, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो इन होता है, जो अंदर वाला क्यू तो वही है जो पहले था, इसलिए फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फ्लक्स पहले था आपका वही फ्लक्स आएगा। मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर देन करंट विल बी लीड द वोल्टेज। करंट लीड कब करती है? करंट लीड तब करती है जब सर्किट आपकी कैपेसिटिव होती है। अब मुझे बताओ कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये आपका जेड मिनिमम यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर जेड क्या तुम्हारा होगा, मिनिमम होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए भाई ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इस पर क्या होता है, इस पर एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है। और जब आप राइट साइड जाओगे तो राइट साइड जाने में क्या होगा, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी वो क्या होगी, रेजोनेंस से बड़ी होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस से बड़ी है तो पक्का है एक्सी क्या होगा, छोटा होगा, एक्सएल क्या होगा तुम्हारा, बड़ा होगा। अगर गिवन फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम्हारी रेजोनेंस से क्या है, तुम्हारी कम है, तो पक्का है कि एक्सी क्या होगा, बड़ा होगा, एक्सएल क्या होगा, छोटा होगा। और अगर करंट को लीड कराना है तो एक्सी को बड़ा रखना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो पक्का है कि ये कंडीशन फुलफिल करेगी, मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस से क्या होगी, तुम्हारी कम होगी। यानी कहने का मतलब आई थिंक ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा आपका दूसरा ऑप्शन, मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तब जाके करंट क्या करेगी, लीड करेगी। बेटा हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 है बेटा जी, तो हम लोग 14 को देखते हैं। 14 पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी क्या है इसमें डायमेंशनलेस है, तो आप देख रहे हो ये वाला आपको दिख ही रहा है, क्योंकि वी क्या है इधर आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे आर जी है, तो क्या हो जाएगा इधर जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और आर क्या होगा मीटर होगा, और जी आपका क्या है एक्सेलरेशन है, तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, ये डायमेंशनलेस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा 3 करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका वर्नियर कैलिपर पे वर्नियर कैलिपर पे है, इन अ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट क्या दिया है, 0.10 मिलीमीटर एंड 0 एरर दिया हुआ है -0.3 मिलीमीटर, द रीडिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑन मेन स्केल पे कितना दिया है 6 मिलीमीटर एंड किससे वो एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, द करेक्ट डायमीटर इज, सिंपल सी बात है, इसे फार्मूला लग जाएगा आपका बेटा मुझे कौन सा, देखो ध्यान से, ये होगा आपका जो रीडिंग जब मेजरमेंट करोगे रीडिंग, ये आपका 15 क्वेश्चन है, तो रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मेन स्केल की रीडिंग जो ले लेने होगा, अब प्लस ब्रैकेट में क्या होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग है ना, और इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है बेटा जी, और माइनस अगर जीरो एरर है तो उसको भी 0.0 एरर रखना पड़ेगा, तो रखो सारी वैल्यू, ये कितना है 6 mm है प्लस, और VSR कितना होगा तुम्हारा 5 हुआ इंटू क्या है 0.1 दिया हुआ है लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट है ना आपका, लीस्ट काउंट है। ठीक है बेटा जी, mm में आ जाएगा ये है ना, और ये माइनस क्या रखोगे जीरो रखोगे माइनस 0.3 क्या है 3 mm में है, सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6.8 mm, जो रीडिंग आपकी क्या आएगी 6.8 आएगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बेटा जी ये भी डायमेंशनल फार्मूला, ये कि डायमेंशन से क्वेश्चन आपका आया है, फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द सरफेस टेंशन, तो आप सिंपल क्या मानोगे, जो आपका सरफेस टेंशन है अगर इसको आपने एस माना हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मान लोगे कि एफ पावर ए, और ए पावर क्या मानोगे बी मान लोगे है ना, या इसको मान लो एक्स वाई जेड मान लो, ऐसे काम क्या होगा, एफ पावर क्या होगा तुम्हारा एक्स, और ए पावर वाई, और किस पे डिपेंड करता है बेटा जी, और यहाँ पर टाइम पावर जेड कर दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा फोर्स का फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, ये एफ बाई एल होता है ना, तो यहाँ रख दोगे आप क्या सारा फार्मूला रखोगे, इसका क्या रखोगे, यहाँ फोर्स अपॉन ये होता है लेंथ होता है ना, इज इक्वल टू क्या रख लोगे यहाँ पर आपका एफ पावर एक्स और ए पावर वाई और जेड टी पावर क्या रख लोगे जेड रख लोगे। इसको सॉल्व करोगे जब इसका लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो जी एम एल है ना, इसको लेके जाओगे तो कट जाएगा ना एल, एम एल टी माइनस टू होता है, तो यहाँ से एक एल कट जाएगा बेटा जी, तो यहाँ से एक हटा दो, सिंपल आ जाएगा तुम्हारा एम क्या होगा तुम्हारा एम होगा एल टी एम टी माइनस टू आ जाएगा, और फिर सारा फार्मूला यहाँ रखोगे कितना एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस टू
है ना, पावर होगा तुम्हारा एक्स हो जाएगा ऐसे, बोल बच्चा जी, फिर इंटू क्या लोगोगे यहाँ पर एल टी माइनस टू, इसका पावर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और फिर क्या रखोगे यहाँ पर टिम्पल टी पावर क्या तुम्हारा जेड है, कंपेयर करोगे है ना, तो यहाँ पर एक्स निकल के आपका आ जाएगा वन और वाई निकल के आपका आ जाएगा माइनस वन, जेड निकल के आ जाएगा माइनस टू। तो आप इसको पुट करोगे यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा थर्ड करेक्ट आएगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव, दोनों का रेशियो बराबर होता है, इसका मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या है मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल इक्वल होता है, इसका वन रेशियो क्या आएगा वन आएगा। इंटेंसिटी वाले केस में जितना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करती है उतना ही क्या है मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब वायर को आप स्ट्रेच करो तो आप एक सिंगल फार्मूला अप्लाई करो, वो फार्मूला आप क्या अप्लाई करोगे कि भाई जो आपका नया आर आएगा आर डैश प्रोपोर्शनल टू, या आप आर एफ लिखना या आर डैश लिखना डिपेंडिंग ऑन यू, अगर आप करते हो फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा आर एफ है ना प्रोपोर्शनल टू एल एफ का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखोगे इसके बारे में, आई थिंक मेरी बात में मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लेके चलोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ आपका क्या है, ये जो आपका आर एफ इज इक्वल टू एल एफ कितना है 30% आपने इसको स्ट्रेच किया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल नॉट प्लस क्या होगा तुम्हारा 30% ऑफ एल नॉट, तो 30/100 इंटू एल नॉट का आप क्या कर लोगे यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया आपने सॉल्व किया इसको, आर एफ कितना आ गया इसको सम किया आपने तो कितना आ गया 1.3 एल नॉट का होल स्क्वायर, एल नॉट क्या आपका इनिशियल लेंथ है, तो आपने कितना आर एफ निकाल लिया 1.69 एल नॉट स्क्वायर, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो आप क्या करोगे उसके लिए, कहोगे सर कि यहाँ पर देखो ध्यान से क्या होगा आर एफ माइनस आर आई जो इनिशियल है अपॉन सिंपल आर करोगे। ठीक है बेटा जी, आर आई करोगे है ना, तो बोलो आर एफ कितना आया 1.69 एल नॉट स्क्वायर माइनस एल नॉट स्क्वायर अपॉन क्या करोगे एल नॉट स्क्वायर कर लोगे तो ये कट जाएगा यहाँ से कट जाएगा, सिंपल क्या आएगा बोलो जी 0.69 आ जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आ गया तुम्हारा डेल्टा आर अपॉन आर आ गया ना आर आई इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 69% आ जाएगा। आई थिंक ये वाला 69 आपका करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको कुछ और नहीं करना है ना, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये बहुत काम करेगा आपको। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द गैल्वेनोमीटर जी शोज जीरो डिफ्लेक्शन इफ द बैटरी ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर विल बी, क्या करोगे जो इसके लिए ध्यान से आप क्या करोगे, पहले आर को यहाँ से हटा दो, आर आपका हट जाएगा नहीं मान लो नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, अभी नहीं लगा हुआ है तो पूरी करंट फ्लो करेगी सर्किट में, तो बोलो नेट कितना होगा वोल्टेज यहाँ 12 में यहाँ क्या है 2 है, तो रेजिस्टेंस कितना है V इक्वल टू आई आर से क्या होगा V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, तो I क्या होगा V अपॉन R होगा सिंपल, और V कितना आपका है ये 12 वोल्ट है, कितना है 2 वोल्ट, दोनों अपोजिट बैटरी है, कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 2 अपॉन R कितना होगा बेटा जी R आपका होगा 500। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा अपॉन ये आर कितना होगा तुम्हारा 500 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 10 अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा 50 500 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/50, अगर इसको रिड्यूस करो क्या आ जाएगा तुम्हारा 20×10^2 आ जाएगा आपका, देखो -3 एम्पियर ये करंट आ गई। अब जब इस सर्किट को यहाँ लगाओगे तो इसमें करंट जाना बंद कर देगी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर ये 2 होगा यहाँ पर 0 होगा, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 के बराबर होगा, और करंट जो यहाँ से जाएगी वही पूरी पूरी यहाँ निकलेगी, क्यों बच्चा जी, क्योंकि करंट इधर जा नहीं रही है तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से निकलेगी, तो फिर यहाँ लगा क्या लगा दोगे इसमें V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना, तो V कितना दिया आपको है V दिया आपको है, सिंपल ये दिया ना V ये आपका 2 वोल्ट है, I कितना आएगा आपका I आएगा 20×10^2 क्या होगा -3 × R, तो R क्या हो जाएगा बेटा जी 2/20×10^-3 आ जाएगा, सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 100 ओम, तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस 20 ओम एंड रीड फुल डिफ्लेक्शन फुल स्केल व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है ना, रीडिंग उसकी टू कन्वर्ट इंटू 10 एम्पियर द गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड बी हैव, सबसे पहले क्या निकालो इसमें निकाल लो कि जो इसकी
गैल्वेनोमीटर जो करंट है फुल स्केल जो रीडिंग है ना करंट की वो निकाल लो, तो क्या होगा तुम्हारा आई इज इक्वल टू सिंपल क्या दिया है 0.2 वोल्ट दिया हुआ है अपॉन कितना दिया है रेजिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो ये आपके आगे फुल डिफ्लेक्शन करंट आ गए 0.01 एम्पियर। अब बताइए संट कितना होगा, रिक्वायर्ड संट का फार्मूला क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होता है आई जी इंटू कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर अपॉन मेन करंट माइनस फुल डिफ्लेक्शन करंट, क्या होगा तुम्हारा 1.01 × 20/10 − 0.01। सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 0.02 ओम। आई थिंक 0.02 ओम ये वाला ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये बात आप समझ गए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका मैकेनिक्स का 21 क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कह रहा है कि एलिवेटर ऑफ केबिन कितना दिया है 1.2 मीटर, कितना लिया हमने इसका 1.2 मीटर इसकी हाइट ले लिया केबिन की ना, मान लो एलिवेटर इसकी केबिन कितना है 1.2 मीटर की है। स्टार्ट असेंडिंग विथ कितना बोलो क्या एक्सेलरेशन इसका बरा जी, इसका एक्सेलरेशन कितना हमने लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। 1 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अ क्लोज बोल्ट स्टार्ट फॉलिंग जो सॉरी अ लूज बोल्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग, यहाँ पर क्या है एक लूज बोल्ट यहाँ लगा हुआ है और ये क्या है स्टार्ट होना गिरना स्टार्ट कर दिया बेटा, ठीक है ना। कह रहा है कि द टाइम आफ्टर विच बोल्ट विल हिट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, अब ये गिरना, अच्छा एलिवेटर भी कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है कितना ए से जा रहा है, कहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, बोल्ट किससे गिरेगा आपका जी से गिरेगा नीचे की तरफ, क्यों बच्चा जी आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी बेटा ये गलती यहाँ पर असेंडिंग लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है असेंडिंग मतलब वो ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ मैंने गलत कर दिया इसको सही कर देते हैं, क्या कर रहा है ये ऊपर जा रहा है किससे ए इज इक्वल टू वॉट कितना है कितना 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 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है बेटा ये मिस्टेक हो रही थी सही करो इसको। अब क्या होगा अब क्या करो, अब जब ये आपका नीचे की तरफ गिरेगा तो कितने टाइम में इसको यहाँ हिट करेगा, तो क्या करो पूरे के पूरे एलिवेटर को आप मान लो रेस्ट में है, क्या मान लो आप रेस्ट में है, बोल बच्चा जी। अब मुझे बताओ कि इस अगर कहाँ जा रहा है एसिलेटर, ये कहाँ जा रहा है बेटा जी ये ए से ऊपर जा रहा है और इसका अपना कितना है जी है कितना आपका इसका 10 मीटर क्या है पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी अपनी इसका अपना एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन कितना है अपोजिट है, इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा ए रिलेटिव कितना आएगा वो आ जाएगा 10 और +2 क्योंकि ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है तो पक्का जुड़ेगा, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है पूरे एलिवेटर को आपने रेस्ट में मान लिया और निकाल लिया, अब क्या लगा दोगे एस इक्वल टू UT + ½ AT² एस कितना दिया आपको 1.2 दिया है, यू कितना दिया आपको 0 दिया, 0 लो क्योंकि स्टार्ट कर रहा है आज गिरन गिरना, और +1/2 ए कितना दिया ए आपका रिलेटिव कितना दिया बेटा जी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, आपको टी निकालना है तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ से इसको, 1.2 × 2/12 इसका रूट ले लें सिंपल आपको टी मिलेगा, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1/√5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बेटा ये वाला ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, ठीक है सिंपल ये काइनेमेटिक्स का फार्मूला था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाया गया था इससे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, लगा दो फार्मूला, अगर आपने लिखा कि इसका जो फर्स्ट लगाओगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड क्या होगा U+G/2 है ना 2 × n, n कौन सा है आपका फर्स्ट आपका है 1 − 1 लिख दोगे, अच्छा x सिक्स क्या होगा बेटा जी U+G/2 और क्या होगा 2 × 6 − 1 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, क्यों बच्चा जी क्योंकि फॉलिंग हो रही है तो यहाँ पर u क्या तुम्हारा ये u आपका 0 होगा ये भी क्या होगा तुम्हारा 0 होगा तो हट ही जाएगा ये G/2 कट जाएगा बेटा जी, यहाँ कितना आएगा आपका ये 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 11, तो आई थिंक 1:11:12 आएगा रेशियो 12 आएगा 1:12 आएगा आंसर, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा ध्यान देना, बेटा इसमें देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट, यहाँ पर 3 translation degree of freedom ठीक है ना, फिर बोला है कि 3 translation, 2 rotational degree of freedom और 3 translational and 2 rotational and 1 vibrational degree of freedom 3 translational, 3 rotational and more than 1 vibrational, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा है आई थिंक, एक एक करके समझाते हैं आप लोगों। अब देखो क्या है कि आपका ये जो पहला किससे कनेक्ट होगा बेटा जी, मैं यहाँ पर ले लूँ, जो आपका पहला जो किससे कनेक्ट होगा
ये आपका फर्स्ट से सिंपल थ्री ट्रांसलेशन आपका तो मोनोटॉमिक रहेगा ही रहेगा। क्यों बच्चा जी? इसके बाद जो आपका बी है वो आएगा किससे? थर्ड, अगर टू थर्ड ट्रांसलेशन टू क्या है रोटेशनल, तो आपका किससे मिलेगा? ये थर्ड से मिल जाएगा, बोल बच्चा जी। और अगर आपका सी क्या है, कितना है? तीन ट्रांसलेशन दो रोटेशनल, और क्या है आपका ये वन वाइब्रेशनल, तो पक्का है कि किससे आएगा? नॉन डायाटॉमिक, कैसा है? नॉन रिजिड से होगा, ये से मैच कर जाएगा, बोल बच्चा जी। और जो आपका लास्ट में है कि थ्री ट्रांसलेशनल थ्री रोटेशनल एंड मोर देन क्या है, ये पक्का है कि पॉलीएटॉमिक होगा, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है ना, सिंपल इसमें देखना था, डेफिनेशन पे कंसेप्ट था, आई थिंक समझ गए मेरी बात को। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखो 24 क्या है, ये आपका क्या दिया है? आर अपॉन सी वी दिया हुआ है इक्वल टू टू अपॉन फाइव दिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आपको तो पता है, सी वी क्या होता है? एफ आर अपॉन टू, टू अपॉन फाइव जो कहते हो रहने दो, आर से आर कटेगा टू चला जाएगा, टू अपॉन क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, टू बाई क्या तुम्हारा फाइव आ जाएगा, टू से टू कटेगा, एफ इक्वल टू क्या सिंपल आ जाएगा फाइव। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या तुम्हारे होगा? फाइव होगा, आंसर नंबर आपका फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, फाइव क्या बोल रहा है कि कंसीडर, कहाँ गए एक मिनट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इन विथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट आपका है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, गैस की विस्कोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और बी क्या है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम। हाँ ठीक, ये भी सही है और ये भी सही, ये और भी दोनों सही है, इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है बेटा, अभी बोल रहा है कि न्यूक्लियस रैप्चर्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो 2:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज। सिंपल सी बात है, अगर दोनों आपस में ब्रेक होते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, तो एम वन वी वन इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा? एम टू वी टू। ठीक है बेटा जी, तो बताइए यहाँ से एम वन अपॉन एम टू क्या आ जाएगा? वी टू अपॉन वी वन, रेसिप्रोकल आ जाएगा। अच्छा एम वन क्या है? मास है, इसको जब हम क्या है इन टर्म ऑफ रेडियस लेंगे तो पक्का क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा आर वन का क्यूब, क्योंकि 4/3 πr³ होता है ना, तो मास किसके प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा? आर क्यूब के। यहाँ क्या है तुम्हारा, यानी मतलब आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब इज इक्वल टू वी टू अपॉन सिंपल वी वन कर लेंगे। क्यों बच्चा जी? आई थिंक तो आपका आर वन अपॉन आर टू क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा जी, वी टू अपॉन वी वन का होल पावर 1/3। ठीक है बेटा जी, अब वी वन वी टू आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि वी टू क्या दिया आपका है? 1 दिया है, देखो 2:1 दिया है ना, वी वन 2 दिया है आपका, ये दिया है क्या, वी टू आपका 1 दिया है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इसको जब करेंगे हम कितना आ जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट क्या आएगा तुम्हारा 1:2 पावर 1/3, क्योंकि आपका वी टू कितना है 1 है और वी वन कितना है 2 है, तो पक्का है कि 1:1 क्या आएगा, 1 पावर 1/3, तो 1 ही होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक थर्ड सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1:2 पावर 1/3। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज 2 एम्पियर करेंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर फील्ड का फार्मूला बोलो बेटा क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं और फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या कहता है? बी एट सेंटर क्या होगा, ध्यान देना, ये आपका बी एट सेंटर क्या होगा? एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, है ना, म्यू नॉट एन आई होता है, तो वैल्यू कितना टर्न्स आपका 50 दिया हुआ है, आपका कितना होगा म्यू नॉट 4 पाई, है ना, इंटू 10^-7 होगा, जो कहते हो इंटू 2 कर देंगे, अपॉन 2 × 4 कर लेंगे बेटा जी, 10^-2 कन्वर्ट कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा 1.57 × 10^-3 टेस्ला। ये आंसर आप चेक कर लेना, अगर इसको क्या है मिली टेस्ला में लाना है तो क्या होगा बेटा तुम्हारा, बोलो 1.57 mT। तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ दिया है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यूनिफॉर्म स्पीड वी दिया है, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाई। तो सीधे वो क्या बोला है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बोला है, तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट एम जो हम लिखते हैं सिंपल, है ना बेटा जी, और ये जो आपका एम होता है ना,
अपॉन अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, ये क्यू अपॉन टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम एल होगा, ठीक है भाई। और एल कितना होता है, एम वी आर होता है, तो एम कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो जी, क्यू अपॉन टू एम इंटू एम वी आर, तो एम से एम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू वी आर अपॉन टू, तो क्यू वी आर अपॉन टू यहाँ पर करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक मेरी बात, ये वाला ऑप्शन क्या तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर आइडेंटिकल मेटल रॉड्स आर कनेक्टेड एट सोन इन द फिगर, एज्यूम देयर इज नो हीट लॉस, है ना, क्या जूम करना है आपको कि हीट का लॉस नहीं हो रहा है थ्रू द साइड वॉल ऑफ द रॉड एंड रेडिएशन लॉस, द जंक्शन टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट, सिंपल है उसका एवरेज निकाल दो, जो आपका टी आएगा सिंपल टी वन प्लस क्या निकाल लो टी टू प्लस क्या निकाल लो टी थ्री प्लस क्या निकाल लो टी फोर अपॉन सिंपल फोर कर दो, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस। वन लाइन सोल्यूशन है क्योंकि कोई लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा जी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका वन लाइन का है, इफ द अर्थ सपोज टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड जी जी इज द वैल्यू ऑफ एक्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड एल्टीट्यूड ऑफ कितना दिया है लैम्डा 30 डिग्री सेल्सियस एंड जी एट द पोल, देन द वैल्यू ऑफ जी माइनस जी डैश। सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि जो आपका होता है जी फार्मूला सिंपल लगाओ क्या चीज, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये तो सिंपल फार्मूला आपका हो गया। तो जी डैश माइनस जी क्या हो जाएगा सिंपल बेटा जी, बोलो जी, अगर जी माइनस डी हम करें यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या चीज, जी जी माइनस जी डैश, तो सिंपल क्या जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और लैम्डा कितना दिया, एल्टीट्यूड कितना दिया आपका 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस 30 क्या होता है रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो बोलो क्या आ जाएगा तुम्हारा आर ओमेगा स्क्वायर रूट 3, अच्छा रूट 3 था ना, तो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा सिंपल 3 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3 यहाँ 3 अपॉन ये 4 आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला कौन सा ऑप्शन बच कर रहा है आपका, कौन सा बच कर, ये थर्ड ऑप्शन आपका नहीं, हाँ 3 आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, थर्ड सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये, ठीक है बेटा जी। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने किया इसलिए कर लिया क्योंकि आपको और कम टाइम लगेगा, मैंने थोड़ा सा समझा के बताया आपको, तो आराम से देखिए, और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।